वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम वीडियो देखने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो है मल्टीप्लेक्स ओपन इन कश्मीर बट द वन हु इज एक्टिंग इज लाइक पाकिस्तानी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। देख लेते हैं कि भैया क्या कह रहे हैं ये लोग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये सब कुछ ना झूठ बोलते हैं, असल में उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ श्रीनगर में आज से 30 साल पहले सिनेमा के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। ये सब कुछ ना झूठ बोलते हैं, असल में उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ श्रीनगर में आज से 30 साल पहले एक सिनेमा हुआ करता था। अब आप पूछेंगे बंद क्यों हुआ, क्योंकि इस्लाम के अंदर नाचना गाना कूदना वीडियो बनाना फोटो बनाना ये सब हराम है। इसके लिए वहाँ के आतंकवादियों ने अलगाववादियों ने सारे सिनेमा हॉल को तहस नहस कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया, बंद करवा दिया। 18 अगस्त 1989 को यहाँ पेपर्स में अल्लाह टाइगर्स का एक बयान आया था जिसमें लेकर शॉप्स और सिनेमा ओनर्स को अपनी बिजनेस बंद करने को कहा गया था। 1 जनवरी 1990 को किसी सिनेमा हॉल में कोई भी शो नहीं लगा और तब से सिनेमा यहां बंद रहे। लेकिन हमारे मोदी जी ने किया एक चमत्कार। सबसे पहले तो हटाई श्रीनगर से 370 की एक धारा जो कि श्रीनगर के विकास के अंदर अवरोध बनी हुई थी। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। ये विषय है आर्टिकल 370 का। वाह मोदी जी वाह। आए दिन जम्मू एंड कश्मीर से विकास की कोई खबर आती रहती है जिसको काफी सुकून मिलता है सुनने के बाद में। आई लव यू मोदी जी। और अब मोदी जी ने खोल दिया वहाँ सिनेमा हॉल। 30 साल बाद कश्मीर में मल्टीप्लेक्स की शुरुआत हुई। मल्टीप्लेक्स की शुरुआत आतंकवाद और अलगाववाद के मुंह पर बड़ा तमाचा। लेकिन सोचिए जब ये खबर पाकिस्तान में जाती है तो पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। मेरे को कुछ नहीं पता, पुलिस पता लगा रही है। जैसे ये खबर पाकिस्तान पहुंची पाकिस्तान के सीने पे लौट गए सांप और आगे पीछे से निकलने लगा धुआं। और जो पाकिस्तानी तड़पते और बिलबिलाते नजर आए आहा आहा। तो फिर देरी किस बात की भैया, आनंद लेते हैं, चलते हैं पाकिस्तान। लेट्स गो। कश्मीर के हवाले से जो अगर बात कीजिए, जो इंडिया के पास कश्मीर है वहाँ पर सिनेमा की एक इनॉग्रेशन हुई है, मतलब सिनेमा बना है, मल्टीप्लेक्स पहला सिनेमा बना है श्रीनगर में। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कभी हम देखते हैं वहाँ पे सिनेमा बन रहा है, कभी खबर आती है जी वहाँ पे दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज बन रहा है, रेलवे ब्रिज बन रहा है, कभी देखते हैं वहाँ पे डैम बनते नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है? नहीं, ये सब कुछ ना झूठ बोलते हैं, असल में उन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ हमारी जमीन। सालो जिस जमीन पे तुम खड़े हो वो भी हमारी है, हमने दी थी तुमको 1947 के अंदर हमारी जमीन। मेरा मुंडा निकल गई, मेरी जबान टूट गई। इन्होंने कश्मीर के पास, ये अपने कश्मीर, ये भी जाने वाला है। अगर इन्होंने कुछ ना किया तो ये भी जाने वाला है। वो तो लेने की दूर की बात है, ये तो ये भी भेजने वाले है। अब वो ना सारा कुछ ऐसा बनाकर दुनिया, आपने देखा ना कि इंडिया की लॉबिंग जो है ना वो मगरबी मुल्क में और अमेरिका में बहुत मजबूत है। बना रहे हैं या नहीं? नहीं ना, वो झूठ बोल रहे हैं ऐसा। अगर वो नहीं मतलब बना रहे हैं, हाँ बना वो वाकई रहे हैं उधर, वो कब्जा कर रहे हैं और उन्होंने बना दिया, ये नहीं है। बना रहे हैं या नहीं बना रहे, पहले क्लियर हो जा भाई, बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहा है, कर रहा है हमको। सही बात है सर, ये एक सोचने वाली बात नहीं है कि देखें बेशक वो हमें दिखाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं अपने कश्मीर में, देख हम क्यों नहीं दुनिया को दिखाने के लिए काम कर रहे। देखें वो दुनिया को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं वो, या वो किसी की भलाई के लिए, या उधर कश्मीरियों के लिए उन्होंने सिनेमा नहीं खोला, या किसी की भलाई के लिए नहीं खोला। डैम
बने हैं वो कश्मीरियों के लिए नहीं 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 नहीं, नहीं वो डैम उन्होंने इसलिए बनाया है ताकि मोहर लग जाए कि वो जमीन उन्हीं की है, हमारी नहीं है, उन्होंने तो कब्जा किया हुआ हमारी जमीन पर। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनखा 550 कंधे टांगे राइफल, इसलिए उन्होंने डैम बनाया। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमारी जमीन है, देखो हमने यहाँ पर डैम भी बनाया, यहाँ पर सिनेमा भी बना लिया, सारा कुछ बना लिया, अब पाकिस्तान कहता है ये हमारा है, वो तो झूठ बोलते हैं ना। अच्छा तो जो पाकिस्तान के आपकी बात की तरफ आते हैं, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो आपका हमारा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। हमने वहाँ पे क्या किया? उन्होंने तो चले उनका आपके बकोल के उनका वो नहीं है, तो उन्होंने इतना कुछ कर लिया ना होते हुए भी उनका किया नहीं, उन्होंने कब्जा करके गलत किया है, हमने करवा ले हैं, चले कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनसे वापस लेंगे इंशाल्लाह। लेते लेते तुम्हारी चौथी पीढ़ी आ गई है, कश्मीर तो ले नहीं पाया, बांग्लादेश और गवा दिया, कहाँ हो मियाँ जी? बहुत ज्यादा मैटर है, लेकिन जो हमारे पास कश्मीर है वहाँ पर कोई आप एक डेवलपमेंट बता दें कि यार हमने भी तो ये किया है, हमने भी तो ये बनाया कोई काम। यार उसका ना पता क्या बात है, उधर हुकूमत किन का है? इमरान खान साहब का ही है ना, तो ये सवाल तो उनसे बनता है, उनके हवारियों से बनता है। मैं हुकूमत की बात ही नहीं देखें, हमारी फसाद डालना या इस तरीके से बात करना मेरी जिम्मेदारी है एज ए पाकिस्तान। आप किसी हुकूमत का बता दें कि यार उस हुकूमत के दौर में वहाँ पे यार क्या काम कर सकते हैं? वो पंजाब इतना बड़ा सूबा है पाकिस्तान का जिससे माशियत चलती है पाकिस्तान में, इधर कुछ नहीं हुआ उधर क्या होना है? तो सर ये सोचने वाली बात नहीं, आप जरा सोचें कि वो अभी हम ये कहते हैं कि वो उनका कश्मीर नहीं है, वो तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनका है वो दुनिया को पता है हमारा है, ठीक है वो। अच्छा वहाँ पे इतना कुछ हो रहा है तो हम जो हमारे पास मौजूद है हम वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? हम करना चाहिए ना, उधर ज्यादा से ज्यादा मदारस बनाए, ज्यादा से ज्यादा उधर मस्जिद मदारस बनाए और मस्जिद वाह, ज्यादा से ज्यादा मदरसे बनाओ, ज्यादा से ज्यादा मस्जिदें बनाओ, ज्यादा से ज्यादा जिहादी पैदा करो। वाह क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इसीलिए तो पाकिस्तान आतंकवाद में नंबर वन है। ना देखे ना, अगर अल्लाह उसके मुंह में करोड़ बार खाक डाले, अगर पाकिस्तान के साथ कोई अभी नवी हो जाती है तो हम चले जाते हैं, या पाकिस्तान कब्जे में आ जाता है, हमारी आने वाली नस्लें इधर रहती हैं, हम तो कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं और हमारे बड़ों ने ये बादशाही मस्जिद बनाई, जांग ये बनाई है ना बादशाही मस्जिद, वजीर खान मस्जिद बनाई, तो हमारे बड़े हमारे जो औलाद होगी वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे ना कि पाकिस्तान उस टाइम पे मस्जिदों की जरूरत थी तो मस्जिदें बना दी, ठीक है। अभी अभी शायद आपको नहीं लगता डेवलपमेंट की जरूरत है, लोग भूख से मर रहे हैं, वो इन चीजों की जरूरत है, डैम बनाने की जरूरत। नहीं नहीं डैम वो पाकिस्तान इधर सूबा पंजाब और सूबा एजुकेशन की जरूरत, सूबा सिंध में एजुकेशन, उधर किस चीज एजुकेशन? आप देख लें पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज है, पंजाब में कितनी है, तो आप देख लें जो बेचारे पढ़े लिखे हैं उनका हाल क्या है, वो रुकते हैं इधर आकर है? ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उधर उधर बन जाएगा तो क्या होगा? नहीं नहीं एजुकेशन की जरूरत है, साथ साथ में गैरत की भी जरूरत है उन लोगों को। पाकिस्तान में क्या कर रहा है यार उन्होंने? आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैं कुछ भाई ठीक है, मुझे लास्ट एक मिनट, जरा मुझे लास्ट एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग रही आपके साथ गुफ्तगू। मुझे ये बताएं कि वो जो इतना कुछ कर रहे हैं डैम बनाए, आपने ये मानते हैं कि नहीं? इतना बताएं बस, बनाए हैं डैम? और नहीं बनाए, वो पहले के भी उनके डैम है, वो डैम बनाते रहे और बनाते रहे और बनाते रहे। नहीं बना तो रहे हैं ना, चले बना रहे हैं, हमारे लिए बना रहे हैं, वापस ले लेंगे इंशाल्लाह। हाय हाय हलवा है, ले लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बोलने से अगर सारे काम हो जाते हैं तो तुम आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होते इंशाल्लाह। के अलावा ब्रिज बनाया उन्होंने, आप जाके रिसर्च करिएगा गूगल से, होगा शायद, अगर है मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है आप रिसर्च करिएगा। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पता किधर से आ रही है? यूएई से, सऊदीया से, इस्लामिक कंट्री से आ रही है। वो कब्जा करने का तरीका होता है ना, एक ये सर्टिफाइड जाहिल है तरीका, जैसे ये नाजायज इसराइल, उन्होंने क्या किया उधर? उन्होंने एक घर बनाया, फिर दो घर बने, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, उधर डेवलपमेंट की उन्होंने बड़ा कुछ। कश्मीर में उनके वो अवाम का तो फायदा कर रहे हैं, चाहे कब्जा करने के लिए कर रहे हैं, जो भी करने के लिए। कोई फायदा नहीं है उधर, उधर जाकर मुसलमान अवाम का पूछे क्या हाल है भाई? ये बिल्कुल नहीं मानने वाला, ये बिल्कुल नहीं मानेगा कि ये मानने कोई तैयार नहीं है, क्योंकि इस पे लगी हुई मोर मदरसे की। और ये जिस पार्टी का सदस्य है तहरीक लब्बैक पार्टी, ये कट्टर 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 जिहादी पार्टी है। वो तो बेचारे परेशान है, वो तो बेचारे अपना हिंदुइज्म फैलाने के लिए। आप ये जो आप देखते हैं कि मुसलमान वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है, ये कहाँ से? सोशल मीडिया से देखते हैं आपके वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे राबता है, या कैसे आपको पता चलता है? सोशल मीडिया, ट्विटर, गजब टूबी आ जाती है। ट्विटर पे ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैंने फॉलो किया हुआ है, वो कश्मीर के रहने वाले हैं, वो कश्मीर के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो उनके जरिए पता चलता रहता है कि उधर अब क्या हो गया, क्या हो गया, कितने डेवलपमेंट का नहीं पता चलता। डेवलपमेंट का उधर बेचारे वो रोते ही रहते हैं, वो कहते हैं कि वो मुझे ना अक्सर झीलें, मैंने जेन से निकल गई उधर, अक्सर झीलों की तस्वीरें भेजते हैं और कहते हैं कि ये देखो इस पर कब्जा हुआ हुआ,
ठीक है, चलें ये एक वो आपकी राय है, इसे कुछ लोग एग्री करते हैं कुछ डिसएग्री करते हैं। मुझे ये बताएं पाकिस्तान को भी वर्क करने की ज़रूरत है अपने कश्मीर में, ताकि चलो आप हम ये कह रहे हैं कि जी जब कुछ नहीं होता कहने को तो हम ये कह देते हैं कि जी वो तो दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो हम दिखाने के लिए नहीं कर रहे यार, दिखाने के लिए पंजाब में ये गलत बात कर रहे हैं। नहीं हम कुछ तो करें, क्या हम क्या ये इनसे क्या तोका की जा सकती है, सूर फिर हमारा ही है ना, मतलब हमको यार किबला हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि क्या कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट ना उनको दिखा सकती ना ये कुछ काबिल का। आप सैलाब जदगान पॉइंट पे पहुंच गए, आप बताए ना सैलाब जदगान के लिए क्या किया इन्होंने, ये तो हमारे बच्चे थे ना, हमारे भाई थे ना, जो लोग इमदाद करना चाह रहे हैं उनकी एड वापस, बांग्लादेश से एड वापस कर रही है। 70% आप देखें 70% पाकिस्तान डूबा है, क्या किया हमारी हुकूमत ने, और एक बंदे ने वो 20 अरब इकट्ठे किए हैं, एक हफ्ते बाद वो प्रोग्राम बनाता है, उसका नाम पता ही आपको, वो 20 अरब इकट्ठे किए, वो 20 अरब किधर है, वो कौम के पास गया नहीं अभी तक। फिक्र ना करें लोग भूल जाएंगे इसको, झूठ बोलते हैं यार सबके सब, इन्होंने कश्मीर के पास ये अपने कश्मीर ये भी जाने वाला है, अगर इन्होंने कुछ ना किया तो ये भी जाने वाला है, वो तो लेने की दूर की बात है, ये तो ये भी भेजने वाले हैं, ये तो प्लेट में रख के देने वाले हैं। अभी तक तो इंडिया का कश्मीर लेने के चक्कर में लगा हुआ था, अब इसको ये डर लग रहा है कि ये जो पीओके है वो भी ना चला जाए। वाह रे वाह जाहिलो, वाह वाह, ये तो प्लेट में रख के देने वाले हैं, ये सोचने वाली बात है डेफिनेटली। जिस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, दुनिया देख रही है, तो ऐसे फिर कल को मजीद जो है वो मामला दूसरी साइड पे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप लोगों को क्या विचार है, आप भी कमेंट सेक्शन है आपके पास में भर दीजिए भाई साहब, भर दीजिए आप भर भर के टोकरे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक में रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या जबरदस्त वीडियो थी, मजा आया वीडियो देख के, लेकिन यहाँ पर बात सोचने की है, बात समझने की है कि देखो अगर हम हंसी के अलावा अगर हम बात करें तो मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है। देखो पाकिस्तान में और इंडिया के जो हैं वो इख्तलाफात एक तरफ ठीक है, क्योंकि 370 हटने के बाद पाकिस्तान और इंडिया की बहुत सारी ट्रेड भी हुई खराब, बहुत सारे मामला डिस्टर्ब हो गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो है वो जम्मू कश्मीर इंडिया के पास है और अभी इंडिया जैसा चाहे वो कर सकता है ठीक है। उस पर अब हमारे यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है वो तो अब गवर्नमेंट पे ही है ना कि गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या एक्शन लेती है या गवर्नमेंट क्या करती है। खैर मुझे ये लगता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इंडिया में देखो जब तक इंडिया के पास कश्मीर है तो इंडिया को जाहिर सी बात है उसमें डेवलपमेंट करनी है, लेकिन फ्यूचर का मुझे नहीं पता कि, और लगता नहीं है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास आएगा, क्योंकि जो अभी सिचुएशन करंट चल रही है उससे तो यही लगता है कि कोई चांस दूर दूर तक नहीं है। जिस तरह से भारत जो है इस वक्त वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है, अपने ब्रिजेस बना रहा है, ट्रेन का काम शुरू करवा दिया है, 4G स्टार्ट कर दिया है नेट वहाँ पर, मतलब मॉल वगैरह वहाँ हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो कंपनीज हैं वो लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हो चुके हैं, तो आप इससे आइडिया लगा लो कि भाई भारत में जो है वो कितना ज़्यादा कश्मीर के ऊपर फोकस है भारत का, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। दूसरा अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ मस्जिदें बनाने से जो है वो भंडी भाई कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो जिहादी पैदा होंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि देखो मस्जिद बनता है या मंदिर बनता है या फिर चर्च कहीं पर बनता है, इट डजंट मींस के आपके यहाँ पर जो है वो हेटर्स पैदा होते हैं। हर किसी का अपना वे ऑफ मतलब ये होता है कि वो इबादत करे, जो भी पूजा करता है या फिर कोई चर्च में जाके अपने लिए दुआ मांगता है, इट्स ऑल अप टू द रिलीजन ठीक है। तो ये हर किसी की अपने एक मज़हब के ऊपर होता है, धर्म के ऊपर होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब वो हेट सिखाएंगे वहाँ पर, ऐसा नहीं है। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, मंदिर में लोग पूजा करने जाते हैं, तो ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाए ठीक है, हर किसी वहाँ की ज़रूरत के मुताबिक जैसे दूसरी कंट्रीज़ में बनती है वैसे वहाँ पर भी बननी चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए, मंदिर भी बनने चाहिए, चर्च भी बनने चाहिए, गुरुद्वारा भी बनने चाहिए, मैं ये कहूँगी कि सब कुछ बनना चाहिए ताकि जो जिस मजहब से बिलोंग करता है उसको वहाँ पर जाके इजीली वो अपनी परफॉर्म कर सके ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि हमारे यहाँ पर लोग जो हैं वो एड्स वगैरह जो हैं वो नहीं ले रहे, जैसे बांग्लादेश से हम लोगों ने नहीं दी, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब हम मुश्किल में आए हैं तो हमें चाहिए कि हमारे
मुश्किल के वक्त जो है ना, कहते हैं कि आपको, कहते हैं मुश्किल में वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बना लेना चाहिए, क्योंकि वक्त ऐसा है ना। तो अगर आपको बांग्लादेश हेल्प कर रहा है तो ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमसे बिछड़े हैं तो हम उनसे नहीं लें, ऐसा नहीं है। हमें अगर वो मदद कर रहे हैं तो हमें उनसे हेल्प लेनी चाहिए। कल को अगर बांग्लादेश को हमसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी उनको हेल्प कर सकेंगे, अगर हम उस कंडीशन में हुए हेल्प करने की। तो मुझे लगता है कि दुनिया में एक सब लोग एक दूसरे के आपस में रिश्तेदार, एक पड़ोसी ही हैं समझो। तो इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करने से जो है वो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, जानना चाहूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।